नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि सीएसआईआर के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, विशेषता है यूपीएससी और पीएससी के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जीनोम सिक्वेंसिंग, डीएनए। अब जीनोम सिक्वेंसिंग में क्या होता है आपको पता है, सेल्स के अंदर है ना क्या पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर्स पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं, जो सिक्वेंसिंग है मुख्यतः डीएनए और आरएनए की जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है। अब इसी का क्या करना, हमको ये पता करना है कि आखिर में कोरोना में डीएनए का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, आरएनए किस प्रकार से है। तो वही चीज हम देखना चाह रहे हैं। इसके लिए सीएसआईआर ने क्या किया है, इसकी जो दो बॉडीज हैं हमारे पास, सीसीएमबी, सेंटर फॉर सर्कुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, और आईजीआईबी, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, टिक लगाने के लिए आ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आईजीआईबी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी दिल्ली। इन दो जो संगठन है, इन दो लैब्स को जिम्मेदारी दी गई है कि आप कोरोना की क्या करिए, जीनोम सीक्वेंसिंग करिए और बताइए कि किस प्रकार के जीन्स और कैसे दोनों में बंध है, ये हम जान सकें कि आखिर में कोरोना का निर्माण कैसे हुआ है, उसकी संरचना क्या है, उसकी वृद्धि कैसे होती है, क्या उसकी एक फॉर्मेलिटी है, क्या उसका फंक्शनिंग है, किस प्रकार से फैलने का है, कि वो कैसे कैसे फैल सकता है, किस हद तक अपने आप को सस्टेन कर सकता है, ये सारी चीजें देखने की कोशिश की जाएगी इस जीनोम सीक्वेंसिंग से। अब देखिए महत्वपूर्ण है सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, महत्वपूर्ण क्यों है, हम इसमें इतनी डिटेल में क्यों जानना चाह रहे हैं। महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि ये भारत देश का सबसे बड़ा आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास अपनी खुद की 38 प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स है, मतलब एक सेंटर जो दिल्ली में हेड ऑफिस, उसके अलावा 3 इनके पास इनोवेशन सेंटर्स भी हैं। आप देखते हैं भारत में जो बहुत सारी चीजें इस फील्ड से आती हैं उसकी आप कहीं ना कहीं आप शुरुआत देखेंगे तो आप सीएसआईआर के द्वारा ही होती है। भारत के द्वारा अच्छी खासी संख्या में जो पेटेंट हैं वो सीएसआईआर के द्वारा हमेशा लिए जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में। अब देखिए क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं, है ना। क्वेश्चन बनता है इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1942 में, एंड देन भाई किसने की थी स्थापना, तो इसके फाउंडर थे शांति स्वरूप भटनागर। बहुत अच्छे से आप परिचित होंगे, बहुत बड़ा नाम है भारत में विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर का। शांति स्वरूप भटनागर ही इस सीएसआईआर के क्या थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। देखिए यहाँ लिखा होगा डायरेक्टर जनरल, तो जो पहले पहले डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन थे हमारे, शांति स्वरूप भटनागर। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये शांति स्वरूप भटनागर यूजीसी के भी फर्स्ट चेयरपर्सन थे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है वनडे एग्जाम में। इनको पहली बार जब पद्म भूषण दिया गया था, है ना, 1954 में, तो उसी समय पर इनको दिया गया था, और इन्हीं के नाम पर, शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर 1958 से कंटिन्यूटी में हर साल दिया जा रहा है शांति स्वरूप भटनागर प्राइस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत महत्वपूर्ण है ये, हर साल दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र का, भारत देश का, ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शांति स्वरूप भटनागर प्राइस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा जा चुका है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि विज्ञान के क्षेत्र का भारत देश में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, किसके नाम से दिया जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर के नाम से, ठीक है। सबसे पहली बार कब दिया गया था भाई, 1958 में, किसको दिया गया था, के एस कृष्णन को, याद रख लीजिएगा 1958 में सबसे पहले दिया गया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के एस कृष्णन को। हम आगे बढ़ते हैं सीएसआईआर की तरफ। सीएसआईआर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में, दिल्ली में, क्या कहते हैं हम, अनुसंधान भवन। इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, चेयरपर्सन कौन रहते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में अधिकतर पूछ लिया जाता है। एक विशेष संगठन कहा जाता है कि पॉल्यूशन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, या इस संगठन का अध्यक्ष कौन होता है, या नीति आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होते हैं, पूछ लिया जाता है। तो वैसे ही सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक, एक्स ऑफिशियो, मतलब पदेन अध्यक्ष होता है। जैसे वो पद पर आता है प्रधानमंत्री के, वैसे ही वो इसका क्या हो जाता है, अध्यक्ष हो जाता है। उपाध्यक्ष कौन होता है, जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भारत देश का, अभी कौन है, हर्षवर्धन, जो चांदनी चौक से आते हैं ना, डॉक्टर हर्षवर्धन है अभी वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
एंड देन डायरेक्टर जनरल जो एक विशेषज्ञ रहता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो हाल फिलहाल में हमारे डायरेक्टर जनरल सीएसआईआर के शेखर सी मांडे, इसीलिए मैंने इसे हिंदी में लिखा है और हाईलाइटेड लिखा है ताकि आप इसे याद कर ही लीजिए। शेखर सी मांडे फर्स्ट कौन थे, शांति स्वरूप भटनागर क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट कौन है अभी हाल फिलहाल में, शेखर सी मांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये था, इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि सीएसआईआर 2009 में ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग भी कर चुका है। ये बहुत क्वेश्चन बना था उस समय, यूपीएससी में भी हॉट टॉपिक था और बाकी भी पेपर्स में काफी बार ये पूछा गया है कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग किसके द्वारा की गई, तो सीएसआईआर के द्वारा की गई थी और कब की गई थी, 2009 में की गई थी। इस तरह से हमने ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था आज का, क्या सीएसआईआर, इसको हमने देख लिया। भूलिएगा मत, भारत देश का सबसे ज्यादा क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाला इंस्टीट्यूट, पेटेंट, भारत देश में सर्वाधिक पेटेंट लेने वाला इंस्टीट्यूट। ठीक है, विज्ञान के बच्चे इस सीएसआईआर से बहुत परिचित होंगे, वो नेट देते हैं, है ना, किसके अंतर्गत आता है, वो इसी सीएसआईआर के अंतर्गत आता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर ये है कि भारत देश में पहला राज्य बन गया है उड़ीसा, है ना, जिसने अपने यहाँ का लॉकडाउन कब तक बढ़ा दिया है भाई, 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है ना। ऐसे को हमारे पास भारत देश में कब लगा था, 25 मार्च से 14 अप्रैल। ठीक है, मैंने आपको डेट बताई थी, याद कराई थी जब मोदी जी आए थे 8 बजे, तो 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक लगा था 21 दिन का, और इन्होंने क्या कर दिया, ये पहला राज्य बना है उड़ीसा, नवीन पटनायक और गणेशी लाल वाला, नवीन पटनायक सीएम और गणेशी लाल क्या है, गवर्नर है। ऐसे याद कर लिया करिए, बोलते रहा करिए आप भी कंटिन्यूटी में। तो क्या है, 30 अप्रैल तक इसे बढ़ा दिया गया, और जो शैक्षणिक संस्थान है वो भी इन्होंने कह दिया कि हम पूरी तरह से बंद रखेंगे 17 जून तक, ये लीजिए 17 जून तक, अच्छा खासा स्टेप इन्होंने उठाया है। अभी बंद वाली बात आती तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं भाई, शुरुआत कहां से हुई थी कोरोना की शुरुआत हुई थी वुहान शहर से, वुहान शहर में लॉकडाउन हटा दिया गया है, कितने दिनों के बाद हटा लिया गया है, 76 दिनों के बाद इसे हटा लिया गया है। ठीक, एक और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं इसी से संबंधित भाई, ये क्वेश्चन ये है, जापान ने अपने यहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी है, याद रखिएगा भाई इमरजेंसी वर्ड आया है, लॉकडाउन नहीं किया गया है, आपातकाल लगा दिया गया। भारत देश में आपातकाल का जिक्र कहां है, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 352, याद रखिएगा, है ना, ऐसे ही इंसान क्या करता है, लिंक करता है ना, तो इमरजेंसी लगा दी है, लगभग 1 महीने की इमरजेंसी का जिक्र इन्होंने किया है। किस डेट से स्टार्ट किया है, 7 अप्रैल से, तो 7 अप्रैल से लेकर 6 मई तक इन्होंने क्या किया है, 1 महीने के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ $998 बिलियन $998 बिलियन का एक राहत पैकेज की भी बात करी है, किसने, जापान ने। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है भाई, शिंजो आबे, और अभी वहां पर क्या हुए थे, जो राजा थे वो चेंज हुए थे, तो नए वाले राजा का क्या नाम है, एम्परर का क्या नाम है, नारुहितो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी वहां के राजा चेंज हुए हैं, नारुहितो। जापान लोकतंत्र है, लेकिन जो जापान में जैसा भारत देश में राष्ट्रपति का सिस्टम है, वहां पर उस जगह पर क्या होता है, एम्परर होता है, और विश्व के सबसे पुराने या ओल्डेस्ट जो क्या बोलते हैं राजतंत्र है, उसमें से एक है कौन, जापान का जो राजतंत्र है ना, टोक्यो में इनका पहले से, वो भी काफी पुराना है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक व्यक्ति है, एक किसान वैज्ञानिक है गुजरात के जूनागढ़ के, इनका नाम है वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया, इन्होंने गाजर की एक नई किस्म बनाई है, उसका नाम है मधुबन। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने ये किस्म बनाई है, तो किसने बनाई, मधुबन ने बनाई, मुख्यतः पूछा जा सकता है कि मधुबन किसकी किस्म है, तो किसकी किस्म है भाई, गाजर की किस्म है ना। इसमें जो इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा, बीटा कैरोटीन की और आयरन की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा, बिल्कुल लाल, मतलब काफी रेड है ना, डार्क रेड कलर की हो गई, क्योंकि आयरन की मात्रा ज्यादा है तो उसका कलर ही क्या हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा डार्किश हो जाता है। तो ये मधुबन गाजर की किस्म है, गुजरात के जूनागढ़ के व्यक्ति, पूछा सिर्फ यही जाएगा कि मधुबन किसकी किस्म है नई वाली, तो किसकी, गाजर की किस्म है। ठीक, आयरन की वैसे भी कमी है भारत देश में महिलाओं में ज्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है कि जेनेटिक मेम्ब्रेन एक कंपनी है पुणे की, है ना,
उन्होंने एक मेम्ब्रेन ऑक्सी जनरेटर इक्विपमेंट बनाया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेम्ब्रेन ऑक्सी जनरेटर इक्विपमेंट। उससे क्या होगा कि जब सांस वांस जो फूल रहा है, आपको पता है कफ कफ की प्रॉब्लम हो रही है, जो कोरोना वायरस है वो मेनली फेफड़ों में रिएक्ट कर रहा है, तो सांस लेने में व्यक्ति की प्रॉब्लम हो रही है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। तो एक इक्विपमेंट बनाया है, छोटा ही सस्ता ही है, बहुत ज्यादा विशिष्ट किसी एक बहुत स्किल्ड व्यक्ति की जरूरत नहीं उसको जोड़ने उड़ने के लिए, बहुत इजी गोइंग में वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उसको रखेंगे और सांस लेंगे तो जो इक्विपमेंट है उसमें 35% ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा अच्छा इनिशिएटिव है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेम्ब्रेन ऑक्सी जनरेटर इक्विपमेंट। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं, फोर्ब्स की लिस्ट आ गई है भाई, फिर से रिच लिस्ट आई है ना। तो इस बार की जो रिच लिस्ट है 2020 वाली फोर्ब्स की, इसमें फर्स्ट नंबर पर आए हैं हमेशा की तरह जेफ बेजोस। किसके मालिक है भाई? अमेजन के मालिक है ना। ये लगातार कंटिन्यूटी में तीसरा साल है इनका जब ये पहले नंबर पर आ रहे हैं, जेफ बेजोस अमेजन वाले। इनकी संपत्ति कितनी है? इनकी संपत्ति है टोटल मिला के 113 बिलियन डॉलर। ठीक है, फिर से याद कर लीजिए, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, फोर्ब्स कह रही है, फोर्ब्स की मैगजीन, जेफ बेजोस अमेजन के मालिक और सीईओ, 113 अरब डॉलर की संपत्ति है। सेकंड नंबर पे कौन आ रहे हैं? सेकंड नंबर पर आ रहे हैं बिल गेट्स, और थर्ड नंबर पर आ रहे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, तो तीन लोग अब बस आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं विजडम, है ना, एक नेक्स्ट मैगजीन का ही क्वेश्चन। विजडम की मैगजीन आपको पता है बहुत वर्ल्ड फेमस है क्रिकेट के लिए। इन्होंने इस बार का जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो एक इंग्लिश क्रिकेटर, क्या नाम है इनका, बेन स्ट्रोक्स, जो मैन वाला है उसमें दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा इस साल का जो जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर वाला, ओडीआई वाला, है ना, वो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है न्यूजीलैंड के विरुद्ध में। हालांकि आपने देखा था वो सुपर ओवर तक मैच खिंच गया था, फिर भी जीत तो जीत होती है, इंग्लैंड जीत गया था। उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था किसका? बेन स्ट्रोक्स का। इसीलिए उनको दिया गया है इस साल का क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 मेंस का। ठीक है, और वुमेन्स वाला किसको दिया गया? वुमेन्स का दिया गया है एलिसी पेरी को। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, फीमेल हैं, वुमेन हैं। इन्होंने जो ह्यूमन वैली एशेज सीरीज है वहां पर सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे और सबसे ज्यादा विकेट भी लिए थे, इसीलिए इनको दिया गया है वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020, बेन स्ट्रोक्स और एलिसे पेरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए सार्क का एक फंड है, सार्क का एक फंड है डेवलपमेंट फंड। ठीक है, अब इसे फिर अब हम कहते हैं सार्क डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए एसडीएफ, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं एसडीएफ, सार्क डेवलपमेंट फंड। इन्होंने 5 मिलियन डॉलर की सहायता की बात रखी है। कितने? 5 मिलियन डॉलर। अब देखा छोटा अमाउंट है लेकिन ठीक है सार्क के हिसाब से। ठीक है, तो 5 मिलियन डॉलर की सहायता की बात करी है, ये सोशल सेक्टर में करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे सार्क। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी हमारी 1987 में। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। जो सबसे प्रमुख बात है हाल फिलहाल में, इसके महासचिव बने हैं श्रीलंका के एसाला रुवान वेराकून। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसाला रुवान वेराकून 1 मार्च 2020 को क्या बने हैं? नए नए महासचिव बने हैं सार्क के, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये जो एसडीएफ है आप इसके भी देख लीजिए, जो प्रशासक है उनका नाम है सुनील मोतीवाल। ठीक है, प्रशासक या सीईओ भी कह सकते हैं, सीईओ हैं सुनील मोतीवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो महासचिव और ये सुनील मोतीवाल, है ना। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर ये है कि छत्तीसगढ़ के एक इंजीनियरिंग के छात्र हैं, महासमुंद से आते हैं, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, योगेश साहू। तो योगेश साहू ने एक रोबोट बना दिया है, इंटरनेट चलित रोबोट, इंटरनेट बेस्ड एक रोबोट बनाया है, जो एक जैसे कि डॉक्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता है वैसे ही वो रोबोट क्या करेगा, एक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा रोगियों को, है ना, इंटरनेट बेस्ड रोबोट। और महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने यूट्यूब से देख के बना लिया, जैसे आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उस व्यक्ति ने फाइनल ईयर का बच्चा है ना, कम्युनिकेशन ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, सिर्फ 5,000 रुपए में उसने रोबोट बना दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए एक और इंडेक्स आया है, एक्यू एयर इंडेक्स, है ना। एक्यू एयर इंडेक्स ये बताती है कि किस देश की या किस राज्य की जो एयर है वो ज्यादा पॉल्यूटेड है, ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं है, है ना, आईक्यू एयर इंडेक्स। ठीक है, तो जो टॉप 20 के जो बिगेस्ट कौन से पॉल्यूटेड शहर आए हैं उसमें इस बार 2020 में भारत के सिर्फ 2 शहर आए हैं, कौन सा भाई? मुंबई और कोलकाता। मुंबई और कोलकाता,
इसके पहले की जो रिपोर्ट आई थी 2019 वाली, उसमें 20 में से 14 भारत देश के थे। तो देखिए लॉकडाउन से कितना ज्यादा असर आ रहा। आप देख रहे हैं गंगा में जो गैंगटेक डॉल्फिन है वो दिखने लगी है, जो जंगल के जानवर है वो बाहर आने लगे, रोडों में आने लगे हैं। तो बिल्कुल एक जो प्लांट है वो सब बंद है, लोग रोड में नहीं जा रहे हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं। तो जो अर्थ है वो अपने आप को क्या कर रही है, देखिए ऑटोमेटिक रिकवर कर रही है इस कोरोना के बहाने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सिर्फ दो ही शहर है, कौन सा, मुंबई और कोलकाता। और पिछली बार कितने थे हमारे पास, 14 शहर थे। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि मृत्यु हो गई है ना, मृत्यु हो गई है किसकी, ऑनर ब्लैकमैन। ऑनर ब्लैकमैन एक एक्ट्रेस हैं जो कि जेम्स बॉन्ड सीरीज से आया करती थी, है ना, उनकी मृत्यु हो गई है। ये भी महत्वपूर्ण है, काफी पुरानी अभिनेत्री हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका मैं नाम बताना चाहूंगा वो है ब्रह्म कांची बोतला, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ब्रह्म कांची बोतला। ये आते हैं हमारे न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री से। देखिए ये अमेरिकन इंडो एक पत्रकार हैं और अभी भी ये क्या कर रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे। ये यूएनआई की पत्रकारिता कर रहे थे, हाल फिलहाल में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई की तरफ से क्या कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। वहीं पे ये कोरोना से क्या हो गए, ग्रसित हो गए और इनकी असमय मृत्यु हो गई। बहुत ही ये शर्म की हमारे लिए बात है कि हम अपने जो पत्रकार उनकी भी जान नहीं ले पा रहे हैं, जो एक्चुअल में न्यूज इतनी खतरनाक कंडीशन में भी क्या कर रहे हैं, हम तक न्यूज पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाम है मृत्यु वाले व्यक्ति का रेडोमिर एंटिक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेडोमिर एंटिक ये बहुत ज्यादा फेमस कोच थे फुटबॉल के। इन्होंने रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड बहुत सारी टीम्स हैं, इनका क्या किया था, कोच है ना, कोच किया था, सुपरविजन किया था और लोगों को जिताने की भी कोशिश इन्होंने की थी। अंत में मैं आपको बता देता हूं, आज फिर से एक ऐप लाया गया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, उसका नाम है कोविड केयर ऐप। ऐप तो बहुत ही सारे आ रहे हैं, है ना, मैं आपको बहुत सारा याद करा चुका हूँ। कोविड केयर ऐप किस किस की तरफ से आया, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे प्रेमा खांडू, और गवर्नर है बीडी मिश्रा। इसके पहले आपने कुछ ऐप्स देखे थे, कौन से देखे थे, छत्तीसगढ़ सरकार ने लाया था कौन सा, रक्षा सर्वे ऐप। मोहाली पुलिस ने लाया था अपना कोविड कंट्रोल ऐप। तेलंगाना सरकार ने लाया था क्या, कोविड 19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप, है ना, ऑटोमेटिक था ये। उसके बाद गूगल के द्वारा भी लाया गया था कोविड 19 कम्युनिटी वाला सिस्टम, है ना। कपूरथला रोज रेल फैक्ट्री ने क्या क्या बनाया था, जीवन नाम का एक सस्ता वेंटिलेटर बनाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आता है, एक तो कवच बनाया गया था, है ना, कवच है। दूसरा है आरोग्य सेतु ऐप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्विटर के द्वारा हैशटैग इंडिया फाइट कोरोना भी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, है ना, जो आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में अच्छी खासी संख्या किसकी होती जा रही है, लोगों तक सरकार की जो ये सब चीजें हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं इस कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो मेरा आग्रह है आप भी घर में रहिए, लॉकडाउन में रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो सरकार की जानकारियां हैं वो क्या करें, लोगों तक पहुंचाएं, ना खुद परेशान हो और ना दूसरों को परेशान करें इस कोरोना की वजह से। अतः अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।